मेरी क्या अरजी सुनो यमरा अरे रहम मेरे पे खाले अरजी सुनो जन्म लेनिया मरे एक दिन ये कुदरत के नेम बेटी तेरे पति की क्या तेरे पति की जिंदगी इतनी से आखिर टैम बेटी तेरे पति की जिंदगी इतनी इब से आखिर टैम बेटी और बिना पति की दुखियारी की ओ कोई नहीं हिमाती मेरा नाव मेरी मझधार हो जा अंधी सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा हो मेरे दिल पहला के चो कर हे महाराज बचाले मेरी अरजी सुनो यमराज ओ आ दूर हो जा दूर नहीं चली जा माफ कीजिए यमराजी लेकिन मैं कहाँ जाऊँ चली जा मेरे पति के प्राणों को तो आपने निकाल लिया है मेरे पति के प्राणों को वापस दे दीजिए जब तक मेरे पति के प्राणों को वापस नहीं दोगे हाँ। मैं सावित्री आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी यमराजी बेटी सावित्री तुमने अभी अभी क्या कहा मेरे कि तुम्हारे सास ससुर आंखों से अंधे हैं हाँ बिल्कुल अंधे हैं सास ससुर की आंखों का इकलौता तारा था तुम्हारा पति जी यमराज जी क्या नाम था इसका इनका नाम सत्यवान था जी और ये मर गया नहीं अब तुम्हारा कोई सहारा नहीं है ऐसा मत कीजिए अब तुम्हारा कोई सहारा नहीं है मेरा कोई सहारा नहीं है इकलौते यही सहारा थे बड़ी दुखों की मारी हो मेरी लाडो इस लहर से दूर हो जाइए नहीं यमराज जी अपने पति के प्राण बचाना चाहती हूँ पति के प्राण चाहती हूँ जो आप कहोगे पति के प्राण बचाना चाहती हो सावित्री जी चाहती हूँ जो आप कहोगे ये सावित्री वो ही करेगी यमराज जी इधर आइए हाँ जी बैठिए कहिए इधर देखिए जी ये बॉक्स रखा है जी पीछे वो दो चार बुजुर्ग बैठे हैं जी यमराज उनके पीछे की तरफ देखिए हाँ यमराज जी एक जोहड़ है जोहड़ जी पानी का तालाब हाँ दादाजी आप मत देखिए क्योंकि पति इसका मरा है तुम्हारा नहीं मरा हाँ जोहड़ में से जाइए थोड़ा सा पानी लेकर के आइए थोड़ा सा जल लेकर के आइए जी मैं तुम्हारे पति सत्यवान के मुंह पर वो जल छिड़कूंगा और तुम्हारे पति जिंदा हो जाएंगे
यमराज जी सावित्री को पागल समझाए क्या आपने? मुझे पता है कि आप मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। जल्दी जा, तेरे पति के प्राण बचा दूंगा, जल्दी जा। नहीं जाऊंगी, कतई नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं अपने पति की लाश से अलग हट गई तो तुम मेरे पति के प्राणों को लेकर छूमंतर हो जाओगे। फिर कहां कहां ढूंढूंगी मैं आपको यमराज जी? यार बहुत चालू लुगाई है, लगता है कुछ और करना पड़ेगा। आदनीय करती प्रिंस करती, उनकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार आया है। बेटी सावित्री इस लाश से दूर हो जाइए अगर अपने पति के प्राण बचाना चाहती हो। पति के प्राण तो चाहती हूँ लेकिन लाश से दूर नहीं हट सकती यमराज। नहीं हट सकती, नहीं हट सकती। तो सुनिए, कहिए मेरी सुनिए। उस हो नाड़ झुका लूंगा लाश के अंदर, लाश के अंदर, लाश के अंदर प्राण दोबारा हरगिज भी ना डालूंगा। और चीज तू तय, और चीज कुछ भी ले ले ना वचनो तहालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले ना वचनो तहालूंगा। हेरे दुखिया ने ओ कर दो नहीं। समझ के अपनी क्या? समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का आशीष धर दो। नहीं। अगर आप देना चाहती हो पहले तीन वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो। हो मैं फिर मांगू यमराज लाज मेरी के हो तुम रखवारे मेरी अरज सुनो यमराज। नहीं, मेरा पीछा छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ सकती। आखिर तुम चाहती क्या हो ये बताओ। अभी अभी आपने कहा कि पति के प्राण छोड़ दे चाहे तू तीन वचन ले ले। हाँ, पति के प्राण बख्श दे चाहे तीन के वचन, चाहे तीन के बदले में चाहे 300 वचन ले ले, लेकिन तेरे पति के। ठीक है यमराज जी, मैंने भी सोच लिया है, मुझे पति के प्राण नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, केवल तीन वचन चाहिए। कान खोलो। हाँ, तुम भी सुन लो, तुम भी सुन लो तीन वचन। तुम्हारे पति के प्राण नहीं दूंगा, सोच ले। नहीं नहीं चाहिए, तीन वचन तुम्हें चाहिए। केवल तीन वचन चाहिए यमराज जी। कहीं ऐसा ना हो बेटी सावित्री के तीन वचनों के अंदर तू अपने पति का जिक्र करे या पति सत्यवान के प्राणों का जिक्र करे। हाँ। अगर तीनों वचनों के अंदर तूने पति सत्यवान का जिक्र करा तो तेरे तीनों वचन कैंसिल और साथ में तुझे भी फूक के भस्म कर दूंगा। देख, नहीं आएगा। दे दूं वचन? दे दो। अरे दे दूं? ताली मार दो। कह तो दे दो। सुन बेटी मेरी सुनिए। ओ सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन। राज पाठ धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन। बेखटके और बेखटके
बेखट के मांगो सावित्री, दे दिए वचन एक दो तीन। बेखट के मांगो सावित्री, दे दिए वचन एक दो तीन। और सास ससुर अंधे मेरे, सास ससुर अंधे मेरे, उन आंखों का उजियाला दे दो। एक वचन, एक वचन, एक तथास्तु, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा वचन मांग मांग। अरे जो दुश्मन ने, जो दुश्मन ने, अरे जो दुश्मन ने छीन लिया, वो वापस राज हमारा दे दो। दो हो गया, दो सावित्री तथास्तु। बस 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 बस। तीसरा और मांग। वचन तीसरा, जल्दी कर जल्दी। वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने हाय तन्ने, हो मने ना चाहिए कुछ और, गौर कर अपना वचन सुनो हमरा। ओ मैं तुम्हें दे चुका हूँ। अभी तो मैंने मांगे हैं यमराज जी, तो क्या मैंने दिए नहीं? पर आपने दिए नहीं है अभी। भाई दे दिए ना दिए? नहीं अभी नहीं दिए यमराज जी। एक बार न्यू और बता दे, कहीं ऐसा ना हो तने गा कुछ और दिया हो, अरीब मांग कुछ और ले दादा, क्योंकि यमराज कभी लुगाइयों पर भरोसा नहीं करता। ओहो, ये बता दे तने पहले वचन के अंदर क्या मांगा? पहले वचन के अंदर मेरे सास और ससुर की जो आंखों की रोशनी छीन ली गई है, वो सारी रोशनी वापस चाहिए यमराज जी। यानी कि पहले वचन के अंदर तुम्हारे सास ससुर आंखों से जो बिल्कुल अंधे हैं, बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, उनके आंखों की रोशनी तुम्हें चाहिए। रोशनी मुझे चाहिए यमराज जी। तो बेटी सावित्री, तथास्तु, धन्यवाद यमराज जी। दूसरा वचन मांगिए। दूसरे वचन के अंदर मेरे सास ससुर का जितना भी राजपाट छीन लिया गया, वो सारा राजपाट मुझे वापिस चाहिए यमराज जी। यानी कि तुम्हारे सास ससुर का राजपाट छल कपट पासो द्वारा मंत्री चौंडा राय ने छीन लिया था, वो ही वाला, वो राजपाट तुम्हें वापिस चाहिए, सारा वापिस चाहिए। दूसरे वचन में चाहिए जी यमराज। तो बेटी सावित्री घबराने की जरूरत नहीं है जी यमराज जी। तथास्तु, धन्यवाद। तथास्तु, धन्यवाद। तीसरा तो सुन लो, जब तथास्तु करियो यमराज जी, तीसरे वचन में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और इस सावित्री को एक नन्हा सा प्यारा सा मलूक सा एक पुत्र चाहिए यमराज जी। बस 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 भाई, ये मैं भी मानता हूँ सरदारों कि इसके पति के प्राण तो आज ये यमराज यानी कि मैं लेकर के जा रहा हूँ। हाँ यमराज जी। और भाई इतने बड़े राजकाज को चलाने के लिए एक न एक वंश वेल वाली जरूर होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जी। दे दूं, दे दूं। तो बेटी सावित्री तथास्तु, 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 धन्यवाद यमराज जी। तीन वचन तेरे पूरे हुए, तो पूरे हुए। अब जाऊं? नहीं, एक बार गा के और बता दो यमराज जी। अच्छा हाँ, बहुत चालू है, मीठी मीठी आवाज। एक वचन मेरा पूरा हुआ यमराज जी। तथास्तु, एक वचन मेरा पूरा हुआ यमराज जी। छल से लिया, हाँ, जो छल से लिया वही, छल से लिया हाँ, मंत्री ने, जो छल से लिया मंत्री ने, वो वापिस राज तुम्हारा दिया। दो वचन मेरे पूरे हुए। तथास्तु, ताली तो बजा लो, गुमसुम से बैठे हो तुम, हो भी दुनिया में ना।
हाँ यमराज जी, दो हो गए, तीसरा और दे दो भाई जल्दी फटाफट। तेरी कोख ते, हाँ तेरी कोख ते जी, तेरी कोख ते पैदा होगा जा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख ते पैदा होगा जा तुझको बेटा प्यारा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद यमराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया यमराज जी आपका। तुम्हारे तीनों वचन पूरे हुए, हाँ सास ससुर की आंखें दे दी, मिल गई राजपाट दे दिया, मिल गया एक बच्चा भी दे दिया। अब सावित्री मैं चलता हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं। आपने वचन पूरे कर दिए? हाँ मैंने वचन पूरे कर दिए, अब मैं चलता हूँ। लेकिन कहाँ जा रहे हो यमराज जी? ओ हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ? मैं जा रहा हूँ। कहाँ? बेटी सावित्री मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो यमराज जी? अरे बहुत लंबी लिस्ट है, मैंने उनके भी प्राण निकालने हैं। अभी तो लखन दाई माँ के प्राण रह रहे हैं, सत्तू बराड़ा के प्राण भी रह रहे हैं, और गांव में और लोग भी हैं, इनके भी निकाल लिया महाराज। वैसे ही बैठे 10 रुपया भी ना दिए इन्होंने सुबह सुबह। औरों के मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये 3 वचन मैंने तुम्हें दे दिए। मैं जाऊं? नहीं। क्यों? अभी एक वचन मेरा बाकी है यमराज। महाराज कौन सा रहेगा? एक वचन। चित्रगुप्त ने झंझनाट उठा रखी है जब से। कौन सा वचन भाई? 3 वचन इसने मांगे, मैंने दिए कि ना दिए? ताली मार के बताओ एक बार। हाँ यमराज जी। हेलो, कौन सा बजा रहा ताली? अभी एक वचन बाकी है यमराज जी मेरा। कौन सा रह गया बता? वही वाला। वही कौन सा? और ये ख्याल करो हरे राम बैसने ओ ओ, 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 ओ। ख्याल करो हरे राम बैसने, अकल ठिकाने लियाओ रे। अरे बिना पति, अरे बिना पति, अरे बिना पति कैसे पतिव्रता पे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज, हे महाराज, हे यमराज, हे महाराज, वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज, वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। बेटी सावित्री, यमराज जी क्या मांगा तने? मैंने तो पुत्र मांगा। पुत्र दे, पुत्र दे तो दिया। कहाँ दे दिया? तथास्तु। नहीं बेटी, तथास्तु जा, पुत्र हो जाएगा। पुत्र ऐसे ही होते हैं। कैसे होएगा? कैसे होएगा पुत्र? वचनों से। आप ही बताओ, आज मेरे पति के प्राण तो ये यमराज लेके जा रहा है, क्या बिना पति के पुत्र हो सकता है? ए गांव वाले सारे तो हाथ ही ना हो जाएगा, सारे तेरे नुकरे हो जाएगा। कौन सा हिला रहा, कौन सा मेरा हाथ? ना ना हो सकता महाराज। क्यों भाई दादा? ओ दादा तू बताइयो, बैत वाले बिना पति के पुत्र होगा कि ना होगा? और चश्मे वाले तू बता, तू तुझे क्या पता? ये तो रंड मुंडा आदमी, इसे क्या पता? एक बांझ लुगाई को क्या पता पुत्र कैसे होता? तुम बताओ माताएं बहनों, क्या पुत्र हो जाएगा? हाँ जी तुम भी बताओ, डांटा मार के बैठे नहीं हो सकता ना? हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताइए? याद करो। हाँ। उस कुमारी कुंती पे वो करण कैसे होया? याद करो। हाँ। उसके लिए भी सूरज आया था यमराज जी। याद कर बेटी सावित्री, तेरे लिए भी यमराज आया है। पुत्र ले लीजिए। यमराज की बीड़ी निकल गई महाराज, पहले ही ऐसे ही, क्योंकि मेरे दूत बीड़ी पी रहे हैं, तो सावित्री मेरा भी मन करता है बीड़ी। तो एक काम करो यमराज जी, बीड़ी में 2 कस मारो। अरे याद करो, बिना पति के पुत्र कैसे हो जाएगा यमराज? एक बार ताली मार दो भाई, जोरदार ताली। वो जति सती सजनों, जो औरत जात का नाम रोशन करके गई सावित्री। बेटी सावित्री, जब तो नु कह रहे बिना पति के पुत्र हो जाएगा, जब तो कह रहे तथास्तु तथास्तु तथास्तु, अब कर तथास्तु तथास्तु। बेटी सावित्री, बड़े भाग्यवाणी हो, धन्य हो तेरे माता पिता जी जिन्होंने तू जैसी बेटी को संस्कार दिए। धन्यवाद यमराज जी। मैं हाँ। सजनों ये कहा करते हैं, जो इंसान उलझन में फंसाना जानता है वो सुलझाना भी जानता है। ए बेटी सावित्री, अब तू ही बता दे, कोई ऐसा यत्न बता दे जो कि तेरे पति के प्राण भी बच जाए और इस यमराज के वचन भी बेकार ना जाए।
ऐसी बात बताऊंगी यमराज जी, ऐसा यतन बताऊंगी, ऐसा यतन बता जिससे मेरे वचन भी रह जाएंगे और मेरा पति भी जिंदा हो जाएगा यमराज जी। केवल इतना कर दे बस। ये बताइए क्या मेरी आयु अभी कितनी बाकी है? तुम्हारी आयु? हाँ। बेटी सावित्री, मैंने अपने दिल और दिमाग अपने आंखों के चश्मों खोल करके देखे। अच्छा, तुम्हारी जिंदगी के अभी पूरे 100 साल बकाया है। 100 साल और जिएगी, मौज मारेगी मौज है। 100 साल और जिएगी, मौज मारेगी 100 साल। हाँ। तो यमराज जी, केवल आपको इतना करना है, क्या? मेरी जो भी आयु है उसमें से आधी आयु मेरे पति सत्यवान को दे दो और आधी आयु मेरी रहने दो। मतलब कहने का मतलब, संसार के अंदर सत्यवान सावित्री जिएंगे साथ साथ तो मरेंगे साथ साथ महाराज। मरेंगे चाचा। पागल लड़की, 100 साल बहुत हुआ करती है बेटी, मौज मारेगी मौज। इधर देख, इधर देख, इधर आ, वो बैठा देख, वो बैत वाला लकड़ी वाला। ऐसे सत्यवान तो 360 मिल जाएंगे पर जिंदगी दोबारा नहीं मिला करती। एक काम करो यमराज। और आजकल पंडित जी भी कह दिया करे कि ले ले लाडो फेरे रियो, मर गया तो और बतेरे। नहीं, यही चाहिए, यही चाहिए। ओ हो यम, हाय यम, राजी हुए लाचार हार के पर प्राण लाश पैदाने। सुनो यम राज, आज कुछ रहम मेरे पैखा ले मेरी, अरज सुनो